कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी हमें, कितने धोखे खाने पड़ेंगे हमें, जिनके साथ साथ फेरे लेकर इस घर की चौखट के अंदर कदम रखा था, आज उन्हीं के इतने बड़े फरेब ने हमें हमारे ही घर से बेघर कर दिया। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है हमारे साथ। राजा चंद्रभान पारोत, आपने हमसे हमारा सम्मान, हमारे जीने का मकसद ही छीन लिया। आखिर ऐसा क्या पाप किया है हमने जो ये सिला दिया है आपने हमें? ना एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना एक अच्छी मां। नहीं मां, नहीं मां, आप दुनिया है हमारी और आप ही ने हमें सिखाया है कि कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। मां, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। आप गुनहगार नहीं है। राजा साहब ने जो कुछ भी किया वो आपकी पर्सनल चॉइस थी मां, उसमें आप या कोई और कुछ नहीं कर सकते थे। सच तो ये है कि शादी दो लोगों से चलती है, आप अकेले नहीं निभा सकते थे इस रिश्ते को, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ किया है मां। एक मां होने का, एक पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया आपने, इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? इसीलिए प्लीज मां, अपने आप को दोष मत दीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन इन सब में अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ गलत हुआ है। माँ, बचपन से आपने हमें सिखाया है कि जिस काम में आपका मन ना लगे वो काम कभी करना नहीं चाहिए, खुल के कह देना चाहिए। तो एक बात बताइए माँ, कि जब पापा को हमारे साथ रहना ही नहीं था तो उन्हें भी खुल के कह देना चाहिए था ना? हाँ माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, गलत तो वो है जिसके साथ आपने रिश्ता बनाया था। आज हम भी उसी घर से गुजर रहे हैं। आपकी हालत हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता मां। मां, अपने दिल में इतनी कड़वाहट मत रखिए, एक बार पापा को माफ कर दीजिए मां प्लीज। क्या हम जानते हैं आसान नहीं है, लेकिन सही रास्ता आसान कब होता है? मां, सच कह रही है ना, एक बार आप पापा को माफ कर देंगे ना, इतने सालों से जो आप अपने दिल में ये बोझ लेकर चल रही है ना, सारा बोझ उतर जाएगा मां। अपने आप को आप कब तक दोषी मानती रहेंगी मां? प्लीज पापा को माफ कर दीजिए। नहीं, हम कभी माफ नहीं कर सकते उन्हें। अब तक तो लगता था कि सिर्फ हमारे साथ धोखा किया उन्होंने, लेकिन उनकी अयाशियों की सूली हमारे बच्चे भी चढ़े हैं। अगर हमें समर के बारे में पहले पता होता तो उसे अपने रास्ते से हटा दिया होता हमने। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। अगर हमें पहले पता होता कि हमारे पति का एक नाजायज बेटा भी है तो वो समर हमारी पीठ पर इस तरह छुरा कभी घोंप नहीं पाते। मां, प्लीज शांत हो जाइए। अपने आप से पूछ लीजिए। कंग्रेचुलेशंस, पारोट एम्पायर अपने नाम कर लिया तुमने, लेकिन एक बात याद रखना समर, इसमें मेरे बेटे का भी हिस्सा होगा। जगह तुम्हारा बेटा
एक सेकेंड, 6 साल से पाला ना तुमने अपने बेटे को, 6 दिन नहीं लगे उसे सुरीली का बनने में, और 6 मिनट में तुम्हारा हाथ छोड़कर सुरीली का हाथ थामने में। कौन सा बेटा? बच्चा है, बहक गया है। मैं उसे सही रास्ते पे ले आऊंगी। डोंट वरी, रिलैक्स। मैं दमयंती बारोट की तरह नहीं हूं, ओके? आई रियली लाइक मोहित, और मोहित को उसका हक जरूर मिलेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। यो सर उठाकर ये दहलीज लांगी थी ना, थोड़ा सर तो झुकने दो उनका, थोड़ा बेइज्जत तो होने दो बारूद्स को। अगला प्लान क्या है तुम्हारा? एक्सपोज, पूरी दुनिया को बारूद्स के बारे में मैं एक्सपोज कर दूंगा। तुमने कहा था ना, यूज टेक्नोलॉजी, वॉच दिस। हाय गाइस, वेल एक्चुअली आज मैं आप सबके सामने रणक के राज परिवार और सो कॉल्ड रानी दमयंती देवी से जुड़ा एक सच है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग मुझे समर आलूवालिया के नाम से जानते हैं ना, बट एक्चुअली मैं समर आलूवालिया नहीं हूँ, मैं श्री जी। आप सब लोग इस वक्त गुस्से में, इसलिए आप सब लोग ठीक से सोच नहीं पा रहे। सच तो यह है कि हमें, हाँ बंदश, क्या क्या हुआ शिव? राजा चंद्रमान बारोट और सुचित्रा देवी का असली बेटा और दमयंती देवी का सौतेला बेटा मेरी असलियत जब दमयंती देवी और उनके चारों बेटों को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत डराया, धमकाया। आई वॉज रियली स्कैर्ड। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि अगर ये बात किसी से शेयर की तो वो मुझे जान से। आई नीड योर हेल्प गाइस, प्लीज बताइए मुझे कि मैं कैसे बचूं इस राज परिवार के ढकोसलों से। सब हमारी गलती है। अरे किस मुसीबत को हम अपने घर ले आए? शांत हो जाइए राघव, क्या कर रहे हैं आप? नहीं राघव, प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समर बहुत ही शातिर इंसान है, अगर तुम नहीं तो वो कोई और रास्ता निकाल लेता था इस महल में आने का। उसने हमारा घर छीना है, हमारा एम्पायर छीना है, लेकिन हमारा साथ नहीं छीन पाएगा वो, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें मिलकर उसे जवाब देना होगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। शिव ठीक कह रहे, यूं हिम्मत नहीं हार सकते हैं हम। भाई आप क्या सोच रहे हैं, समर को कैसे हराएंगे? इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए हैं, अब उसी का इस्तेमाल करना होगा। हम कमिश्नर के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ बता देंगे कि कैसे समर ने मान पर जानलेवा हमला किया था। अब समर के किए की सजा उसे मिलनी है। अब उसी के खेल में उसे हराने का वक्त आ गया है। मान आप चलिए हमारे साथ। नहीं भैया, हम समर के खिलाफ कंप्लेन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब? भाई ठीक तो कह रहे हैं। अरे समर को हमारे घर, हमारी जिंदगी से निकालने का यही तो तरीका है। मान आपको ये हमारे लिए, अपनी अपनी फैमिली के लिए करना ही होगा। ये हम सब अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं। देखिए हम जानते हैं समर ने जो कुछ भी किया गलत किया। समर का रास्ता सही नहीं था, बिल्कुल गलत था मान। लेकिन हमारी बात समझने की कोशिश करिए भैया। समर खुद हालातों का शिकार था मान। ये समर की चॉइस थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। सैम जी भाई, मोहित चलो। मान प्लीज इमोशनल होकर गलत फैसला मत लो। हाँ मान, आपके भाइयों की बात मान जाइए। आप जो सोच रहे हैं सरासर गलत है। देखिए अकेले खड़े हैं आप,
मैं मान के साथ खड़ी हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.